हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट शिरोमणि। जैसे कि लास्ट टाइम हम सब ने अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस किए थे, राइट? हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। देन अब हम आगे ये क्वेश्चंस जो हमारे रह गए हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखिए 20 क्वेश्चन आप सब ने कंप्लीट किए थे और मोस्टली स्टूडेंट्स के 20 आउट ऑफ 18, 19 और मोस्टली के 17 और कुछ थे जिनके 20 आउट ऑफ 20 भी थे। सो वेरी वेल, आप सभी सबसे पहले क्लास को अपने सभी बैचेज के अंदर शेयर कर दीजिए। ओके, एंड अपनी नोटबुक और अपना वेपन जो आपका हथियार है वो लेके बैठ जाइएगा। ओके, पता है ना आप सबको अपना आपका वेपन क्या है? आपका पेन, राइट? तो कल हमने 20 क्वेश्चंस किए, आज हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो भी हमारे पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस के ऊपर विद फुल डिटेल। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देन नेक्स्ट 5, देन 5, देन अगेन नेक्स्ट 5। ओके, जैसे कि हमारा हर क्लास का रूल रहता है। यस, लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज। जो हमारे इंडिया में प्रेजिडेंट होते हैं उनको मिनिमम एज कितनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 40। चलिए नेक्स्ट, हु फिक्सेस द सैलरीज एंड द अलाउंसेज ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं इनकी सैलरी और इनके अलाउंस ये कौन फिक्स करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए मार्क कर लिया आंसर। नेक्स्ट वन, द प्रेसिडेंट गिव हिज हर रेजिग्नेशन टू। जो प्रेसिडेंट होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, पीएम ऑफ इंडिया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट वन, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 18 मेंबर्स, 552 मेंबर्स, 238 मेंबर्स और 543 मेंबर्स इन लोकसभा। ओके, सो द 25th क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज द चेयरमैन ऑफ। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये सर्व एज द चेयरमैन ऑफ किसको करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा इन इंग्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, एंड विधान परिषद इन इंग्लिश लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वन, ओके, सो दे आर द 25 क्वेश्चंस। ओके, ये हमारे सभी के सभी 25 जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस और कंप्लीट होते हैं। अब 21 से लेके 22, 23, 4 एंड 5 ये क्वेश्चंस अभी आप बिल्कुल चेक करेंगे। ओके, सो ये हमारा गेम तो चल ही रहा है, यू नो कौन बनेगा करोड़पति, राइट? केबीसी। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे वन बाय वन, अब हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था 21 नंबर, 21 जो क्वेश्चन था वो था द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। जो मिनिमम एज होती है एक प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट के बनने की, वो कितनी होती है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के जो एज होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एज प्रेसिडेंट के लिए, वो होती है 35। कितनी? 35, ये आप सभी को लर्न रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के मेंबर की एज क्या होगी तो हम कहेंगे 30। तो मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी? 30। ओके, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 25। कितनी? 25। ओके, एंड अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो आपकी होनी चाहिए कितनी? 35, राइट? ओके, शादी की एज, सबको पता है शादी की एज क्या होनी चाहिए आप लोगों की? चलिए अच्छा, आपकी एडल्ट की एज कितनी होती है? मतलब उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एंड जो भी है, इसे हम एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, ये होती है 18। कितनी होती है ये एज? 18 की एज।
जैसे ही आप लोग 18 प्लस हो जाओगे, आप सभी एडल्ट की कैटेगरी में आ जाओगे, राइट। इट मीन्स अब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, एंड ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड हो जाता है, आपका वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड हो जाता है। तो 18 प्लस की एज में आप क्या हो जाते हैं? एडल्ट, राइट। तो 25 लोकसभा के लिए होता है, 30 राज्यसभा के लिए, 35 प्रेसिडेंट प्लस में वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो कम से कम 35 का तो होना ही चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम जितना चाहो उतना। क्लियर सबको ये वाला क्वेश्चन? चलो अब आप आज साथ साथ लिख लो इनको, ठीक है। तो मैं टाइम नहीं दूंगा आपको लिखने के लिए, अभी लिख लो साथ में जल्दी से। तो इसमें लिखना क्या क्या है, जो भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जो आपको नंबरिंग दिख रही है, सेम एज इट इज ऐसे ही। तो पहले लिख लीजिए लोकसभा, और इसके आगे लिख लीजिए 25 पेज, देन अदर लिखिए राज्यसभा 30 एज, प्रेजिडेंट और अ वाइस प्रेजिडेंट 35 पेज, ओके। सो डन। एंड 18 प्लस एज पता है ना आप सबको, एडल्टहुड एज, राइट। और शादी की एज ये आप सबको पता होगी शायद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि हु फिक्सेस द सैलरीज एंड द अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। बताइए आप लोगों ने क्या क्या इसका आंसर लगाया, पहले आप लोग बताइए। Who fixes the salaries and the allowances of Speaker of Lok Sabha? Council of Minister, President, CJI or CEC? So the right answer is the Council of Minister. अगर यहाँ पर आंसर में पार्लियामेंट होता तो आप पार्लियामेंट भी टिक करते, बट ये Council of Minister is a part of Parliament, right? मतलब जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको अलाउंस, उनको सैलरी कौन देता है? तो उनको सैलरी देती है पार्लियामेंट, और यही फिक्स करती है, ठीक है। पार्लियामेंट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मैंने आपको कल भी समझाया था। प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सैलरी वैलरी नहीं फिक्स करते। चीफ इलेक्शन कमीशन ये क्या होता है, ये हमारे इंडिया के अंदर कि इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन जो भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको सिंबल क्या प्रोवाइड करवाने हैं, बाकी सो मैनी थिंग्स, ये आपके लिए कंपलसरी होता है चीफ इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट आप सबको पता है ना, प्रेसिडेंट का क्या वर्क होता है, तो प्रेसिडेंट का ये वर्क बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट गिव हिज हर रेजिग्नेशन टू, अगर प्रेसिडेंट सपोज कीजिए प्रेसिडेंट को वर्क ही नहीं करना है, प्रेसिडेंट मतलब चाहते हैं वो वर्क करना ही नहीं चाहते, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, बताइए। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, ठीक है। तो द राइट आंसर इसका होगा आपका क्या, बताइए, वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट, ओके। देखिए अगर प्रेसिडेंट को ओथ लेना है, मतलब अगर प्रेसिडेंट को शपथ लेनी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट शपथ किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं आपके किसके सामने, सीजीआई के सामने, ठीक है। अगर आपने से इसमें पूछा जाता कि ओथ किसके सामने लेंगे, तो हम कहेंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करेक्ट। लेकिन प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना है तो किसको देंगे, तो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, ओके। देखिए हमारा इंडिया के अंदर जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 52 डिस्क्राइब दैट इंडिया शैल बी ए प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 कहता है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द प्रेसिडेंट, ओके, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो सब में किस में होंगी, प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है इनका इलेक्ट्रोल सिस्टम थोड़ा इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये हमारे इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट होने का क्या है, ये एक प्रकार का मेथड है, क्लियर हुआ। तो अब आप सबको प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का काफी ज्यादा रोल होता है, ओके, किस टाइप से,
क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये आपके बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस फील्ड में? मैनी फील्ड्स में, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? इंडिया के फर्स्ट सिटीजन, ओके। अच्छा, आपको सबको ये तो पता है कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। अब आप मुझे बताइए इंडिया की फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट कौन थी? हु इज द फर्स्ट इंडिया वुमेन प्रेसिडेंट? पता है ना सबको? देवी प्रतिभा सिंह पाटिल, वेरी गुड। कौन थी? देवी प्रतिभा सिंह पाटिल, ओके। अच्छा अभी बताइए, अभी कौन है? अभी हाल में मतलब प्रेजेंट में इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? आंसर कीजिए, चलिए बताइए जल्दी से, कौन है इंडिया की प्रेसिडेंट अभी? वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं इनसे पहले कौन थी या कौन थे? अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, राइट। द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे बताइए? यस, डॉक्टर सॉरी नॉट अ डॉक्टर, रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये फर्स्ट दलित आपके प्रेसिडेंट थे। कौन थे? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, राइट। तो ये क्लियर हुआ सबको, आर्टिकल 52 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वेट कीजिए, अभी मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है। यस, आप सबको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, बट पहले आप इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स, राइट आंसर इज द बी, ठीक है। लोकसभा में 552 मेंबर्स एक्सटेंड हो सकते हैं, ये फाइनल है, इतने तो होते ही है, ठीक है। अभी रिसेंटली कितने अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे 543, ठीक है। पहले कितने थे? 545। तो ये 45 में से 43 मतलब 2 कहाँ गए आपके? तो हम कहेंगे जो 2 थे ये एंग्लो इंडियन थे। कौन थे? एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अभी रिमूव कर दिया है, तो दैट्स वाई नाउ एट अ प्रेजेंट टाइम 543 टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा, बट वी कैन एक्सटेंड द नंबर ऑफ द मेंबर्स 552, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं कहाँ के? तो वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और जो राज्यसभा के हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने? क्या बताया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, साथ में राज्यसभा के हेड भी होते हैं। तो क्या लोकसभा के हेड को या चेयरमैन को कुछ कहा जाता है? हम कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कहा जाता, ठीक है। कौन है लोकसभा के हेड अभी? अभी लोकसभा के जो हेड है वो मैंने आप शायद आपको वापस बता दिया, फिर बता देता हूँ, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा के हेड, कहने का मतलब अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ओके। तो ये है हमारे अभी वाइस राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो चलिए ये हो गए हैं 5 क्वेश्चंस, अब आप लिख सकते हो इनको। चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? हु फिक्स द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इसमें आप दो आंसर लिखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्लैश डाल के पार्लियामेंट ऑल्सो, ओके, डन। चलिए नेक्स्ट वन, आप लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 डिस्क्राइब इंडिया शैल बी ए प्रेसिडेंट, ओके। अब इसमें लिखिए रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर हाइफन डाल के वाइस प्रेसिडेंट, एंड अब लिखिए ओथ सी जे आई। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ
552 members. Now present 543 member. अभी क्या लिखेंगे? Present 543 members. Okay, so the next vice president as the chairman of vice president as the chairman of Rajyasabha. And आप ये भी लिख लीजिए, लोकसभा चेयरमैन ओम बिरला एंड राज्यसभा चेयरमैन इज द जगदीप धनखड़. राज्यसभा चेयरमैन मीन्स वाइस प्रेसिडेंट. ओके, सो ये हो गए हैं आपके 25 क्वेश्चंस. अब हम करेंगे 26, 7, 8, 9 और 30. राइट, चलिए 30 क्वेश्चंस करते हैं. अब आप वन बाय वन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे. हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है इंडिया का? ठीक है, कर लिया टिक मार्क. ओके, नेक्स्ट वन. हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के गवर्नर कौन है? ओके, नेक्स्ट वन. हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एंड 30 नंबर क्वेश्चन, विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट कब किया गया? ओके, सो आई थिंक डन. चलिए अब हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले सभी क्वेश्चन पे वन बाय वन. ओके, सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट, बताइए इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षिमत कौर, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू. ठीक है, सो द राइट आंसर इज द अर्जुन मुंडा. क्या है राइट आंसर इसका? अर्जुन मुंडा. अर्जुन मुंडा जो है वो अभी हाल में ही कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. कहाँ के? इंडिया के. ठीक है, कौन है अर्जुन मुंडा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, नरेंद्र सिंह तोमर, ये नरेंद्र सिंह तोमर अभी हाल में ही ये कौन है? पहले इन चारों का भी मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर है. ठीक है, कौन है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर. ओके, नेक्स्ट वन, किरण रिजिजू, बताइए आप में से किसी को पता है किरण रिजिजू? अच्छा, जिसको भी पता है बताइए किरण रिजिजू कौन से मिनिस्टर है अभी. तो किरण रिजिजू आपकी जो मिनिस्टर है वो है अर्थ एंड साइंस, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर. ओके, लास्ट वन रह गई है हरसिमरत कौर. हरसिमरत कौर का आंसर बताइए. हरसिमरत कौर, और जो हरसिमरत कौर है ये हमारी लोकसभा की मेंबर है ही है, साथ में ये है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर. ये किसमें? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री. ओके, वैसे आप सबको पता है अभी आपके इलेक्शन होने वाले हैं. राइट,
और जैसे ही इलेक्शन होंगे इन सबके डिपार्टमेंट चेंज कर दिए जाएंगे, है ना। बट इट्स ओके। तो चलिए, मैंने सभी ऑप्शंस बता दिए आपको। तो अर्जुन मुंडा अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट। तो अभी आप लिख लेना, पहले हम आगे वालों पे डिस्कशन कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप सबको पता है फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट इंडिया के थे एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन, राइट। इससे पहले जो सबसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ये साथ में ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। राधाकृष्णन आल्सो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट। राइट, ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। आर वेंकटरमन नहीं थे, इसके अलावा वीवी गिरी भी नहीं थे, जगदीप धनखड़ ये भी रिसेंटली है। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है? जगदीप धनखड़। ओके, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। तो द राइट आंसर इज द एस राधाकृष्णन। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी है एंड सेकंड प्रेसिडेंट भी है ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गवर्नर कौन है राजस्थान के? तो राजस्थान के गवर्नर है अभी कालराज मिश्रा। कौन है? कालराज मिश्रा। ओके, ये गवर्नर क्या होते हैं पता आपको वैसे किसी को? देखिए, हमारे इंडिया के अंदर जैसे आप सबको पता है कि लोकसभा राज्यसभा होती है, राइट। जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का जो कंसिस्ट होता है वो थ्री चीज़ों से होता है। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा, देन थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट। ओके, तो इन तीनों से मिलके हमारी पार्लियामेंट बनती है। अब देखिए, हमारे स्टेट्स में भी सब जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्या क्या होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके अंदर कौन चुनते हैं? सीएम होते हैं, है ना। अच्छा देखिए, जो हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है, कंट्री के मेन हेड कौन है? पीएम। और हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट का जो मेन हेड होता है, सबसे मेन हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? सीएम। कंट्री के पीएम, स्टेट्स के सीएम, ठीक है। लेकिन जब कोई लॉ बनता है, अगर सपोज कीजिए मुझे कोई लॉ पास आउट करवाना है अपने स्टेट के अंदर, ठीक है, क्या लॉ बनाना चाहते हैं? सपोज कीजिए कुछ भी, कि जो भी एग्जाम्स में चीटिंग होती है या फिर जो एग्जाम्स पहले से लीक हो जाते हैं उनके लिए मैं एक कमेटी बनाना चाहता हूँ, एक लॉ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टेट में सपोज कीजिए, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये? बिहार का। जो अदरवाइज जो भी ए टू जेड स्टेट है, सपोज कर लीजिए, चलिए हम यूपी को ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सपोज कीजिए कोई एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम, ठीक है, जैसे पुलिस के, एसआई के, जो भी है। तो हर साल हमें देखने को ये मिलता है कि पेपर जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम होने से पहले ही लीक हो जाता है, राइट। अब हम चाहते हैं कोई लॉ बने, यूपी की गवर्नमेंट कोई एक ऐसा लॉ बनाए जिससे ये चीटिंग ना हो, है ना, या तो फिर कुछ पनिशमेंट इतनी हाई फाई रखे कि चीटिंग करे ही ना। तो क्या ये पूरे इंडिया के लिए होगा या सिर्फ यूपी के लिए? तो ये होगा सिर्फ यूपी के लिए, है ना। जो यूपी की विधानसभा है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो यहाँ पे ये गवर्न करेगी, रूल करेगी, देखेगी, ठीक है, ये कंडक्ट करेगी, देखेगी कि कुछ सही हो रहा है या गलत। ये क्लियर हो आपको? ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर एक रूल पास करेगी। जब रूल पास करेगी तो क्या यूपी की गवर्नमेंट जो चाहे वो रूल बना सकती है? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक सुप्रीम अथॉरिटी और है, ठीक है। अब वो कौन सी अथॉरिटी है? एक और। तो हम कहेंगे उसे कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं? गवर्नर। हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं, ये सभी को क्लियर हुआ? एवरी स्टेट सेल बी अ वन गवर्नर, ठीक है। अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय अ प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होते हैं इनको कौन नियुक्त करता है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये भी ध्यान रखना, इनको किसने भेजा है यहाँ? प्रेसिडेंट ने, ठीक है। क्या हर स्टेट में होते हैं? बिल्कुल, एवरी स्टेट हैव अ गवर्नर, राइट। हर स्टेट के गवर्नर होते हैं। तो इनका वर्क क्या होता है? सेम एज अ प्रेसिडेंट वर्क। अब प्रेसिडेंट, अब सपोज कीजिए, ये वाला क्लियर हो गया सबको, मैंने आपको यूपी का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो कि रूलिंग पार्टी है और पीएम है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को पता लगता है कि भाई पूरे इंडिया में जो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, 12th के और 10th के, उनमें बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है। सपोज कर लीजिए एक बार, ऐसे होती नहीं है आई नो, बट सपोज कीजिए बहुत चीटिंग होती है। तो पार्लियामेंट चाहती है कि एक लॉ लाया जाए जो कि पूरे इंडिया के लिए हो, ठीक है। तो अभी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? पीएम, राइट। तो पीएम जब ये लॉ पास करेंगे, अगर ऐसे होता ना तो लॉ हर कोई से भी लॉ बन जाते थे, तो हर स्टेट के अपने अपने। तो इनके ऊपर पहले से एक होती है पावर, ठीक है, इनके ऊपर एक सुप्रीम होते हैं, हेड होते हैं, वो जब तक साइन नहीं करते तब तक वो लॉ नहीं बनता। क्लियर हुआ क्या बताया? तो लॉ बनने से पहले कोई भी जो बात होती है उसे बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल। सपोज कीजिए मैंने कोई बात कही, मैं चाहता हूँ कि
कि भाई सर्दियों की छुट्टियां पड़नी चाहिए, ठीक है, कब तक? कम से कम 1 वीक की सर्दियों की, आपकी जो विंटर वैकेशन होती है वो 1 वीक से होके 10 डेज का होना चाहिए। और ये सभी, जैसे हमारी नेशनल, आपको पता है नेशनल हॉलीडे कौन कौन से हैं? नेशनल हॉलीडे ओनली 3 है, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, राइट। और आप चाहते हो कि एक और नेशनल डे हो कोई सा भी, ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई भी ले लीजिए एक नेशनल डे, चलिए हम ले लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। अब हम चाहते हैं ये भी हॉलीडे हो, कौन सी हॉलीडे हो? नेशनल हॉलीडे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट से एक बिल पारित करवाना पड़ेगा, एक बिल पास करवाना पड़ेगा। जब भी कोई लॉ पूरा फुल्ली लॉ नहीं बन जाता तब तक उसे हम बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। करेक्ट हुआ, बिल क्या होता है? जब तक इस पे प्रेजिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते ये लॉ नहीं बन सकता। और स्टेट के अंदर अगर आप लॉ बनाना चाहते हैं तो जब तक आप बिल पास करेंगे, जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक गवर्नर उसके ऊपर साइन ना करे, ठीक है। तो पीएम के ऊपर सुप्रीम कौन है जो कि साइन करेंगे? वो है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ताकि, बिकॉज पॉलिटी जो फुल टू फुल बेस्ड हो ना कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, पॉलिटी पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है पॉलिटी में तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। तो क्लियर हुआ गवर्नर क्या होते हैं, प्रेसिडेंट क्या होता है, पता लग गया। एवरी स्टेट हैव अ गवर्नर, ओके। बात करते हैं यूटी की, तो भाई यूटी में क्या होता है फिर? जो यूनियन टेरिटरी होता है ये हमको पता है, ये गवर्न किए जाते हैं, रूल कंट्रोल किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स के ऊपर तो रूल करती ही है, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। इसने हर स्टेट में अपने गवर्नर बैठा रखे हैं। अगर ये बिल के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो वो बिल लॉ नहीं बनेगा, रिमेंबर इट, ठीक है। अब जैसे सपोज आप लोग अगर करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, राइट। तो अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बिल पास करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे फ्री में बिजली मिले एंड और भी काफ़ी सारे उनके सारे बिल होते हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नर उनके ऊपर साइन कर दे और वो लॉ बन जाए। बट ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो गवर्नर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत, देन उसके बाद ही उसके ऊपर साइन करते हैं। तो क्लियर हो गया, एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल है, गवर्न है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है अभी? कालराज मिश्रा। अच्छा मैं बता रहा था आपको यूटी में क्या होता है। तो देखिए जो हमारे यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, इनके अंदर गवर्नर नहीं होते, इनमें होते हैं एलजी। कौन होते हैं? एलजी। इन्हें कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या कहते हैं इनको हम? लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब गवर्नर से भी छोटे, इनको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको तीन यूटी है जिनके लेफ्टिनेंट गवर्नर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आज फर्स्ट होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक। तो एक तो आपको पता करना है दिल्ली के एलजी कौन है, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है। सेकंड आप पता करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के एलजी कौन है, क्योंकि ये यूटी है ना, जम्मू कश्मीर और दिल्ली क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है कौन, ये आपको पता करना है। और थर्ड वन आप पता करेंगे लद्दाख का, बस कर लोगे? लद्दाख, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इन तीनों के आप सबको यूटी पता, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर पता करने हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताइए इससे पहले कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, वेरी गुड। तो देखिए लोकसभा इलेक्ट नहीं करती, अपॉइंट नहीं करती, पार्लियामेंट भी अपॉइंट नहीं करती, सिटीजन्स ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं, हम चुनते हैं, ठीक है। बट प्रेसिडेंट है जो कि अपॉइंट करते हैं, किसको? आपके पीएम ऑफ इंडिया को, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड, किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट कर लिया गया? तो सबको पता आपको 26 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी ऑफ 1950। एंड आपको ये बात भी पता है कि इस साल 2024 में जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट। कौन होंगे? फ्रांस के प्रेसिडेंट। और कौन है वो? इमैनुएल मैक्रोन। चलिए अब आप लिख लीजिए, है ना, बहुत सारा हो गया आपका। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, इन सभी मिनिस्टर्स के नाम लिखिए।
लिखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर में नाम लिखिए अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। सेकंड लिखेंगे आप नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड मिनिस्टर का नाम लिखिए नरेंद्र सिंह तोमर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर क्या है नरेंद्र सिंह तोमर? एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर। थर्ड वन लिखेंगे हरसिमरत कौर, हरसिमरत कौर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। एंड द लास्ट वन इज द किरण रिजिजू, किरण रिजिजू इज द अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड। Who was the first president of, vice president of India? अब सबको पता है एस राधाकृष्णन। हाँ, एक और बात बताना भूल गया मैं इनके बारे में कि इनके बर्थ डेट पे 5th ऑफ सेप्टेम्बर इन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट अ टीचर डे, नेशनल टीचर डे, राइट? तो राधा, एस राधाकृष्णन के जो बर्थडे होता है 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? नेशनल टीचर डे। एंड रिसेंटली जो वीपी है, मतलब रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनका क्या नाम है? जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़। ये भी आप लिख लेंगे साथ में। एस राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज ए सेकेंड प्रेसिडेंट, ओके? एंड जगदीप धनखड़ इज द रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। डन, ओके, नेक्स्ट वन। Who is the governor of Rajasthan? तो आप लिखेंगे इसके अंदर कालराज मिश्रा, कालराज मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। ये आप सबको क्लियर हुआ जो मैंने यहां समझाया था आपको कि गवर्नर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है, गवर्नर की क्या पावर होती है, ठीक है? एंड जो हमारे यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते, उनमें होते हैं LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके? और आपको दिल्ली, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, इन तीनों के LG पता करने हैं सबको, ठीक है? चलिए, डन। किस किस के? एक तो दिल्ली का अभी नहीं, ठीक है? अगर आप पता कर लेते हैं तो आप इनको लर्न भी करेंगे। आई नो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अभी सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनको लिखना स्टार्ट कर देंगे, बट अभी नहीं लिखना ये। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओके? तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितनी है बताइए नंबरिंग में। ओके, आई नो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया भी था, है ना, यूनियन टेरिटरी के बारे में। चलिए, इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखेंगे। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अ प्रेजिडेंट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड? 26 जनवरी 1950। और रिसेंटली इस साल 2024 में जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? फ्रांस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इमैनुएल मैक्रोन, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 30 क्वेश्चन, अब हम करेंगे 31 to 35। सो व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? ये तो आपको बता दिया मैंने अभी जस्ट, है ना, कि गवर्नर की जो एज होती है मिनिमम एज अपॉइंट होने की वो कितनी होगी, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर कीजिए इसको पहले। 35, 40, 25 और 30। ओके, सो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, 7, 6, 5 और 8। ओके नेक्स्ट वन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉम्प्राइज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये भी आई थिंक आप सबको आता है आंसर, है ना, जो पार्लियामेंट है इंडिया की ये किन से कॉम्प्राइज होके मिलके बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, अब आपको बताने हैं राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं, 344, 250, 312 और 272। राज्यसभा, एंड नेक्स्ट वन, द फाइनल एसेंट टू द बिल पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन बाय, ठीक है, वही वाला जो अभी मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया कि जो बिल पास हो जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि बिल पास होते हैं ना, बिल पास आउट होने के बाद जो फाइनल डिसीजन होता है एक बिल कब आपका जाकर लॉ इनेक्ट होता है, तो ये फाइनल डिसीजन किसका होता है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए इन सभी के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, कि गवर्नर की मिनिमम एज कितनी होती है, तो ये हम कहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, 35। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है, इन तीनों की एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। 30 एज किसकी होती है, राज्यसभा के मेंबर्स की, इनकी राज्यसभा के मेंबर्स की, एंड 25 लोकसभा के मेंबर्स की, है ना, कि लोकसभा के मेंबर होने के लिए आपको कितनी एज चाहिए, 25, राज्यसभा के लिए 30, और 35 किसके लिए चाहिए, एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अ गवर्नर। ओके ओके नेक्स्ट वन, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, तो ये हैं 6, कितने हैं 6, ठीक है, स्टार्टिंग में कितने थे पता है, स्टार्टिंग में ये 7 थे। ओके इसमें एक हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये एग्जाम से बहुत पूछते हैं, ठीक है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये डिस्क्राइब था आर्टिकल 31 में, बट इसको हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया और इसको आर्टिकल 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सो नाउ इट इज ए लीगल राइट। ये बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप सभी याद रखेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, नाउ इट इज ए लीगल राइट, अभी क्या है, ये एक लीगल राइट है, क्लियर हुआ, तो अभी क्या है, ये लीगल राइट, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी था 7th नंबर का जो आर्टिकल 31 में था, और अभी ये लीगल राइट है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आर्टिकल्स डिस्क्राइब करते हैं, जो बात करते हैं, वो है 12 to 35, ये आप सबको पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 to 35 डिस्क्राइब अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, एंड ये सभी जो आपका जो पार्ट, जिस पार्ट में ये डिस्क्राइब है वो है पार्ट 3, भाग 3। ओके इसमें है पार्ट 3, चलिए क्लियर हुआ ये सबको। नेक्स्ट वन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉम्प्राइजेज ऑफ, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो किन से मिलके बनी है, तो आप सबको पता है, ये डेली हमेशा आपको लर्न रखना है, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल पार्लियामेंट, ठीक है, आप सीधा यही लिख लेना बस। तो पार्लियामेंट 3 से मिलके बनी है, कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो राइट आंसर होगा इसका क्या, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो हम बताएंगे 250, कितने होते हैं 250, ठीक है,
अब आपको पता होना चाहिए इनमें इलेक्टेड कितने होते हैं और नॉमिनेट कितने होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इलेक्टेड, इलेक्टेड होते हैं आपके 233, एंड अदर हम लिख लेते हैं नॉमिनेटेड। जो नॉमिनेटेड होते हैं ये होते हैं 12, किसके थ्रू? बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, राइट। तो ये क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट, द फाइनल एसेंट टू द बिल पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर लास्ट में ये देखिए, जो बिल होता है कोई भी बिल होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एक, कि कोई भी बिल पारित होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा में से, कोई भी मिनिस्टर जो होते हैं वो कोई भी बिल रेज कर सकते हैं। इसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है, ठीक है, जिस भी ये हाउस में पास हो रहा है, लोअर हाउस या अपर हाउस, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। देन ये अदर सेकेंड हाउस में जाता है, थर्ड वन ये जाता है प्रेजिडेंट के पास, एंड प्रेजिडेंट हैव अ 3 पावर्स। प्रेजिडेंट के पास आपकी 3 शक्तियाँ होती है, ठीक है। क्या क्या पावर्स है? या तो वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे, मतलब उस बिल को बिल्कुल भी, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई भी बिल पास करवाया, ठीक है, जैसे हम क्या बिल पास करवाए बताइए आप लोग, एग्जाम नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए कोई भी बिल है, जैसे हम चाहते हैं कि रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल भी लाउड म्यूजिक ना बजे, है ना, कोई भी डीजे होता है, कोई भी लाउड म्यूजिक होते हैं वो नहीं बजने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले सपोज कीजिए ये लोकसभा में कोई मिनिस्टर है, उन्होंने ये इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस चीज़ में? स्टडी को लेके। एंड जो आपके ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बीमार होते हैं, क्योंकि लाउड म्यूजिक से क्या होता है, इरिटेशन होती है, राइट, एंड हेडेक भी हो सकता है। तो उन्होंने एक बिल पास किया, तो अब जो इनके सपोर्ट में है, फिर बाद में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो पूछते हैं क्या ये बात सबको सही लग रही है, तो इस पे चलता है फिर डिबेट, ठीक है। क्या चलता है इस पे? डिबेट, 2-3 डेज तक डिबेट चलता रहता है। देन इसके बाद इसमें वोटिंग करवाई जाती है, अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है देन ये जाता है नेक्स्ट सदन में, इसमें राज्यसभा में। अब प्रेजिडेंट इसके ऊपर साइन, प्रेजिडेंट के पास 3 पावर है, या तो साइन ही ना करे, ठीक है, प्रेजिडेंट मना कर सकता है कि मेरे को साइन ही नहीं करने इसके ऊपर, ठीक है, या फिर प्रेजिडेंट इस बिल को रोक लेता है, मतलब प्रेजिडेंट ना तो हाँ बोलते या ना ही नहीं बोलते, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट इसको वापस भेज देते हैं, रीसेंड कर देते हैं कि जाओ वापस जाओ, ठीक है। अगर वापस गया बिल और फिर अगेन वापस लौट के आ जाता है तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को साइन करने ही होंगे, ठीक है। या तो देखो वो साइन कर देगा, या इसको रोक के रख लेंगे, या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे, डन। चलिए अब आप इनको लिख लीजिए स्पीड में, लिखना स्टार्ट कीजिए स्पीड में। सबसे पहले लिखिए गवर्नर एज, लिखिए 35 के साथ में आप लिख लेंगे वाइस प्रेसिडेंट आल्सो एंड प्रेसिडेंट आल्सो। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, इसमें आप ना सिंपली लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स। अब लिखेंगे पार्ट थ्री आर्टिकल 12-35, आर्टिकल 12-35, और अब लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स के आगे आप 6, कितने हैं ये 6, एंड अब आप लिखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, Now it is a legal right. Now it is a legal right. चलिए next question. जो ऊपर formula लिखा है ना maths वाला, वही लिखोगे आप, क्या? LS plus में RS plus में P, ठीक है, लोकसभा plus में राज्यसभा प्लस में प्रेसिडेंट इक्वल पार्लियामेंट। एक बार फिर से, LS प्लस में RS प्लस में P, तो क्या बन गया ये? पार्लियामेंट। तो इट मींस राइट आंसर इज द
all of the above. Next, अब आप लिखेंगे राज्यसभा members, राज्यसभा members इसमें आप लिखेंगे 250, बट जो आपको ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप नोट डाउन करेंगे. इलेक्टेड मेंबर आर 233, इलेक्टेड में लिखेंगे 233, एंड नॉमिनेटेड लिखेंगे 12, नॉमिनेटेड लिखेंगे 12 ब्रैकेट में बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट. नेक्स्ट द फाइनल एसेंट टू द बिल, पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट. Is given by the parliament. Sorry, is given by the president. Okay, तो चलो हो गए 35. अब कीजिए 36 number question. How many states and union territories are there in India after Article 370? ठीक है, बताइए. India में कितने states और union territories है Article 370 के बाद? Mark कीजिए अपना answer. Next. Which among the following is the upper house of Indian Parliament? Indian Parliament के जो upper house है वो कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा. Next, who was India's longest serving Prime Minister? अभी तक इंडिया के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू. The member of the Lok Sabha are directly elected by the people of India for a period of. It means सीधा क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने कि जो Lok Sabha के जो भी members होते हैं ये कितने period तक work करते हैं. In the Parliament of India, upper house is known as. India की Parliament में upper house किसे कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट. सो डन. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ये काफी इजी क्वेश्चन थे ये वाला तो, ठीक है, इनमें इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है मुझे. आर्टिकल 370 को जब से हमने रिमूव किया है, जो जम्मू कश्मीर को एज एक स्पेशल स्टेट बोलता था, उसके बाद से इंडिया में रह गए हैं 20 स्टेट एंड 8 यूटी. कितने? 20 स्टेट्स एंड 8 यूटी. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अपर हाउस. अपर हाउस हम कहते हैं राज्यसभा को. किसे कहते हैं? राज्यसभा को, अपर हाउस. हु वॉज इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? तो आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने अभी तक हाइएस्ट वर्क किया है.
आई थिंक 17 ईयर एंड समथिंग 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 कुछ डेज, ओके 17 ईयर्स, 17 साल है ना। मनमोहन सिंह ने 10 ईयर किया है, ठीक। नरेंद्र मोदी के अभी 10 ईयर हो जाएंगे, ठीक है, इसी साल। इंदिरा गांधी भी थी 15 और 16 ईयर करीब, तो देखते हैं अभी तक तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड है। एंड जो लोकसभा होती है इनमें जो पीपल इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली फॉर द हाउ मेनी टाइम पीरियड, तो हम कहेंगे 5 ईयर्स। कितना होता है इनका टाइम पीरियड? 5 ईयर्स, ओके। 5 साल तक ये आपके एज ए वर्क करते हैं, कौन? लोकसभा के मेंबर्स। एंड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नॉन एज, जो पार्लियामेंट होती है इंडिया की, इसमें जो अपर हाउस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो अपर हाउस होता है उसे हम कहते हैं राज्यसभा, राइट? राज्यसभा इज द राइट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, अब आप कीजिए जल्दी से इनके आंसर टिक मार्क। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ी लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसी, मतलब लोकसभा की जो सीट्स है हमारे इंडिया में, वो कौन से स्टेट से है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। विच टू रीजन्स ऑफ इंडिया हैव अटेंड द स्टेट्स ऑफ यूटी आफ्टर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A? असम एंड जम्मू, मणिपुर एंड आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, आंध्र प्रदेश एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ विधान परिषद? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिनके पास विधान परिषद नहीं है, ठीक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान। फोर्टी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा? अगर आप लोगों को भी राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है? मिनिमम एज 25, 30, 35 और 40। कर लिया सबने मार्क? चलिए लास्ट 45th नंबर क्वेश्चन, हु कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? ठीक है, यूनियन लिस्ट के ऊपर इनमें से इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर कौन लॉ बना सकता है? स्टेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए वन बाय वन सभी के आंसर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया? सो द राइट आंसर इज द उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए आप सबको पता है हमारी इंडिया की जो लोकसभा है कैसी होती है? लोकसभा इस बार तो नई बन चुकी है ना, हमारा पार्लियामेंट न्यूली फॉर्म हुआ है। किस शेप में ये? लोटस और अ पिकॉक, बताओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अभी न्यूली बिल्ट हुई है हमारी पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा राज्यसभा बनी है, तो जो लोकसभा है उसका जो डिजाइन है, जो सीट्स का, वो किस टाइप का है? इन अ लोटस फॉर्म और अ पिकॉक फॉर्म। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। देखिए जो लोकसभा होती है आपको सबको पता है, यहाँ पर एक चेयरमैन की सीट होती है ना, यहाँ पर कौन बैठते हैं हमारे लोकसभा के चेयरमैन? कौन? अभी ओम बिरला। इसके बाद कुछ सीट्स होती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेयर्स होती है बहुत सारी और इनमें हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, राइट। तो अब आप ये बताइए इनमें से टोटल सीट्स कितनी होती है इसके अंदर? अभी रिसेंटली कितनी चल रही है? 543 है ना, क्योंकि पहले 545 थी, क्योंकि 2 क्या थे आपके? एंग्लो इंडियंस थे। अभी कितनी है रिसेंटली? 543। तो सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट की है, ये क्वेश्चन था। तो सबसे ज्यादा सीट है वो है यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। कितनी? 80। कितनी है? 80, ठीक है। मैं राजस्थान से हूं तो मुझे तो राजस्थान की पता है 25, बाकी आप लोग देखो बिहार बिहार, ठीक है। देखिए सबसे मेन आपको यूपी याद रखना है, क्यों? क्योंकि यूपी की आपकी मैक्सिमम सीट्स है। कितनी है? 80 सीट। मतलब यहाँ पर हमारी लोकसभा के अंदर 80 सीट्स पहले से रिजर्व है किन के लिए? यूपी वालों के लिए। अब ये किस बेस के ऊपर है? ये इस बेस पे है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, तो इसके बेस के ऊपर इन्होंने ये सीटें कुछ डिफाइन कर रखी है। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? चलिए
Which two regions of India have attained the states of UT after abolition of Article 370 and 35A? So the right answer is the Jammu and Kashmir and Ladakh. ठीक है, ये आप सबको पता है कि इन दोनों को ही, ये पहले दोनों स्टेट थे, ठीक है, एक सिमिलर स्टेट थे, देन उसके बाद हमने इसको डिवाइड करके यूटी बना दिया. Which one of the following state does not have a विधान परिषद? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिनके पास विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है राजस्थान के पास, ठीक है. आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका हैव अ विधान परिषद बट राजस्थान इज नॉट. वट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा? अगर आपको भी राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको मिनिमम एज क्या चाहिए? 25 years. कितनी? 25 years. Who can make laws on subjects included in the union list? Union list के ऊपर कौन law बना सकता है? तो union list पे only on only parliament. State list पे state बनाती है, concurrent list पे कौन बनाता है? State and union. और union list पे कौन बनाएगा? Only parliament. चलिए, ये हो चुके हैं 46. अब कीजिए 46 question. बताइए क्या आंसर है इसका. Under whose leadership Indian constitution was prepared? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसकी लीडरशिप के अंदर प्रिपेयर हुआ? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड, हमारे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक तो वन चीफ जस्टिस होते हैं जिन्हें हम CJI कहते हैं, और इसके अलावा 13 अदर जज, 25 अदर जज, 20 अदर जज एंड डी इज द 30 अदर जज. वी गेट वोटिंग राइट एट द एज ऑफ, ठीक है, जो वोटिंग राइट होता है वो, उसके लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया था अभी, है ना. 16 year, 18 year, 21 year और 24 year. द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, जो रिटायरमेंट एज है जज की सुप्रीम कोर्ट में वो क्या है? 70, 65, 50 और 75. सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज. एंड द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इज, इंडिया में आप लास्ट अपील कर सकते हो कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अ सिविल कोर्ट. सो द 46 क्वेश्चन, राइट, अंडर हुज लीडरशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड, क्या आंसर मार्क किया आप लोगों ने इसका? तो आप सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके अंडर में, किसकी लीडरशिप के अंडर में ये प्रिपेयर हुआ? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर. इसलिए इनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. इनको डॉक्टर BR अम्बेडकर को, राइट. ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड, ठीक है, इसका आपने क्या आंसर मार्क किया है? 30 अदर जज. राइट आंसर क्या है इसका? डी. वी गेट वोटिंग राइट एट द एज ऑफ 18 year, ये भी आपको पता है. द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65. 65 की एज में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर. ओके, एंड द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया इज, जो इंडिया में लास्ट कोर्ट है अपीलिंग का वो है आपका सुप्रीम कोर्ट. क्या है? सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप इंडिया में कोई से भी कोर्ट में नहीं जा सकते जहां पर वो आपकी अपीलिंग बॉडी आपको मिल जाए, है ना. जैसे एक आपके होते हैं लोकल कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर. तो ये होते हैं हमारे पॉलिटी के टोटल 50 क्वेश्चंस. आई होप आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, है ना. तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस पूरे होते हैं. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, मिसेलेनियस क्वेश्चंस के साथ. तब तक आप सभी बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, राइट. ओके, सो सभी को बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद. चलिए, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.